हाय अभिमत। चलिए, रात के 2 बजे कुछ समझ में आ नहीं रहा था क्या बनाए नहीं बनाए, तो मेरा मन करा कि चलो नमकीन चावल बनाते हैं। तो आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करते हैं, आप लोग तैयार है ना? तो ये कुछ रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत सिंपल और आसान और जल्दी से हम बनाएंगे। हमारा तेल बहुत गर्म हो चुका है, इसमें मैं जीरा ऐड कर दूंगी और जीरे के साथ ही हम प्याज ऐड कर देंगे। और प्याज के साथ ही जो है हम अपने ये इसे अदरक ऐड कर देंगे। ये हमारे कुछ खड़े मसाले हैं, लौंग, इलायची, तेजपात, गोल मिर्च जो है वो है, ये सारे ऐड कर देंगे। जल्दी बन जाने वाली हमारी नमकीन चावल है ये, और फटाफट बनाते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। ये लाइट ऑन कर दिया, देखिए फटाफट इसे करो। और ये मेरी हरी मिर्च है, हरी मिर्च भी ऐड कर दीजिए इसके अंदर, दवा के हरी मिर्च मैंने डाला है। ये हमारे टमाटर ऐड कर दीजिए, टमाटर भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और मैंने ये टमाटर ऐड करने के बाद जो है मैंने इसके अंदर आलू ऐड कर दिया। नमक भी साथ में ऐड कर दीजिए और आप हल्दी भी ऐड कर दीजिए और फटाफट से इसे भून लो। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है क्योंकि इतना टाइम रात में किसी के पास रहता नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, भूख लगी है भाई क्या करें। मैगी ना हो तो ऐसे ऐसे फटाफट कर लीजिए। इसे हम कुछ मिनट तक पकाएंगे और फिर मतलब 1 मिनट हम बस इसे पकने देंगे और फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। अब इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे, हल्का सा धनिया ऐड करेंगे बस। और उसके बाद ये हमारे चावल हैं, अपने चावल ऐड करेंगे और मिलाओ इसे अच्छे से। तीखा खाते हैं तो हल्का सा मिर्ची ऐड कर दीजिए, हम लोग तीखा खाते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। और ये मेरे पास पहले से ही बीन की सब्जी थी तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने 1 गिलास चावल लिया था, 2 गिलास में पानी ऐड कर दिया। अगर आपके पास वाइट वाले चावल हैं तो 1.5 गिलास पानी यूज़ करना, मेरे पास वाइट नहीं है, ये ब्राउन वाली राइस है तो मैंने 2 गिलास ली है बस। अब इसके ढक्कन लगाएंगे, 2 सीटी तक का ये वेट करेंगे। अब वो तो गैस में